अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसियर कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेट। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम लोग अल कबीर टाउन फेज टू में 3 मरला ब्रांड न्यू हाउस लेके आए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है सेल आउट के लिए। स्पेनिश हाउस है। फर्दर डिटेल्स हम लोग वीडियो के दौरान शेयर करते रहेंगे। प्लस ए प्लस कंस्ट्रक्शन में ही हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया। फर्दर डिटेल्स, घर का इंटीरियर डिज़ाइन, फ्लोर प्लान और घर की प्राइस वीडियो के दौरान हम लोग शेयर कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 3 मरले का हाउस है, जिसकी अकोमोडेशन की बात की जाए तो 3 बेडरूम्स की यहाँ पे हमें अकोमोडेशन देखने को मिलेगी। फर्दर इसके साथ हमारे अटैच वाशरूम रहेंगे। फर्दर स्पेनिश हाउस डिज़ाइन किया गया। फ्रंट एलिवेशन को अगर थोड़ा डिस्कस किया जाए तो फ्रंट एलिवेशन में टोटली वेदर शीट का इस्तेमाल किया गया। प्लस किनॉप्स का काम किया गया फ्रंट एलिवेशन में, जो कि घर के फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत लुक दे रहा है। फर्दर इसके साथ फ्रंट वॉल की बात की जाए तो जैसे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह गोले का काम किया गया। और फर्दर इसके मेन गेट की बात की जाए तो यहाँ पर हमें CNC कटिंग में मेन गेट देखने को मिलेगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि अल कबीर टाउन फेज टू में इस तरह के कुछ थोड़े बहुत पीस आते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं सेल आउट के लिए। फर्दर इसके साथ फ्रंट पे हमें एक्सटर्नल लॉन देखने को मिलेगा, जो कि खूबसूरत लुक दे रहा है। और इसके फ्रंट एलिवेशन में माशाल्लाह फ्रंट पे आप जैसे कि देख सकते हैं माशाल्लाह मुख्तलिफ हिस्सों पे कनॉप्स का काम किया गया। प्लस लैंप्स लगाए गए फ्रंट एलिवेशन में, जो कि फ्रंट एलिवेशन को एक अच्छी लुक दे रहे हैं। नाज़रीन, स्ट्रीट की बात कीजिए तो यहाँ पर हमें 30 फीट वाइट कार्पेट रोड देखने को मिलेगी। नाज़रीन, इसके लोकेशन की साइड लोकेशन की बात कीजिए तो बिल्कुल ही फ्रंट पे इसको कमर्शियल एरिया आ रहा है। कमर्शियल एरिया के बैक पे ये हमारा प्याला खूबसूरत हाउस रहेगा। फर्दर ये इसका लॉन रहेगा। लॉन जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह, फ्रंट एलिवेशन को थोड़ा क्लोज करके देख लें। फर्दर हम लोग चलते हैं घर के डेप्थ में जाते हैं। कारपोच और कार रैंप की टाइल की बात कीजिए तो दोनों सेम यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं। और फर्दर कारपोच की पार्किंग या इसमें मेहरान का आराम से पार्क हो सकती है माशाल्लाह। और इसकी सीलिंग की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। सीलिंग सिंपल वे में डिज़ाइन की गई है। नाज़रीन, सीलिंग की बात की जाए कारपोच की तो जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल सिंपल वे में डिज़ाइन की गया, जो कि खूबसूरत लुक दे रही है। प्लस इसका तो हमारा पाउडर रूम की एक्सेस है। फर्दर नाज़रीन, मेन एंट्रेंस की डोर की बात की जाए तो जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह एक सॉलिड डोर यहाँ पर डिज़ाइन किए गए। प्लस इसके साथ ही माशाल्लाह लॉक्स की बात की जाए तो बहुत ही माशाल्लाह VIP किस्म के लॉक यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। फर्दर नाज़रीन, मेन गेट से एंटर होते साथ ही सबसे पहले हमारी फ्रंट वॉल रहेगी, जिसमें वेंटिलेशन विंडो डिज़ाइन की गई है। और साइड वॉल में निशेज जैसे आप लोग देख सकते हैं जिनके अंदर वाल पेपर लगाया गया, जो कि खूबसूरत लुक दे रहे हैं माशाल्लाह। प्लस फर्दर इसकी सीलिंग डिज़ाइन लिविंग रूम की आप जैसे कि चेक कर सकते हैं। फानूस यहाँ पर डिज़ाइन किया गया माशाल्लाह, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। फर्दर जो फ्लोर पर टाइल यूज़ की गई है वो थ्रू आउट पूरे घर में ट्रैवल कर रही है। लिविंग रूम के बिल्कुल फ्रंट पे हमारा ओपन किचन रहेगा। ओपन किचन में माशाल्लाह कबर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं, फानूस लगाए गए। और ओपन किचन के साथ साथ ही सीलिंग डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ वे में डिज़ाइन की गई है माशाल्लाह। और इसके जो माशाल्लाह ओपन किचन है, ओपन किचन के साथ ही हमारा बेडरूम की एक्सेस है। और इसके साथ ही हमारी स्टेयरकेस की एक्सेस है। इस घर के मज़े की बात यह है कि डबल यूनिट हाउस है, सेपरेट हाउस सेपरेट इसकी स्टेयरकेस है। ऊपर वाला आप लोग रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप लोग रेंट आउट कर सकते हैं, और नीचे वाले में आप अपनी रिहाइश रख सकते हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। कबर्ड्स के साथ ही माशाल्लाह यहाँ पे बेसन के साथ ही हमारा यहाँ पे बर्नर प्लस रेंज हुड डिज़ाइन किया गया माशाल्लाह। फर्दर अब हम लोग चलते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है माशाल्लाह। फ्लोर प्लान बिल्कुल सेम रहेगा। बैक वॉल में माशाल्लाह सीलिंग के साथ वॉल पेपर डिज़ाइन किया गया, जो कि माशाल्लाह बहुत ही नाइस लग रहा है। सीलिंग डिज़ाइन सिंपल वे में माशाल्लाह आप जैसे कि चेक कर सकते हैं। इसके साथ हमारे अटैच वाशरूम की एक्सेस है। प्लस हमारी वेंटिलेशन विंडो यहाँ डिज़ाइन की गई है माशाल्लाह। यहाँ पे फानूस लगाए गए हैं जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन, हमारी इसके बैक साइड पे हमारी कबर्ड्स आ जाएंगे, जो कि माशाल्लाह वुडन में डिज़ाइन किए गए हैं। काफ़ी यूज स्पेस पे डिज़ाइन किए गए हैं माशाल्लाह, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसके साथ हमारी ये वेंटिलेशन विंडो, हमारा अटैच वाशरूम। अटैच वाशरूम की बात कीजिए तो नाज़रीन के आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा मिरर माशाल्लाह, मिरर के साथ ही हमारी वेंटी यहाँ पर डिज़ाइन की गई। और पूरे बाथरूम में मैट का टाइल इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं। शावर के साथ इंग्लिश सीट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारा ऊपर रूफ पे फॉल सीलिंग माशाल्लाह। इसके साथ नाज़रीन के हमारा ओपन एरिया रहेगा, जो कि मुख्य
सिर्फ छोटी सी स्पेस पे ओपन एरिया रखा गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है घर को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए। नाज़रीन स्टेयरकेस से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये आपको जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ये बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ पे हम लोग ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर डिज़ाइन की गई है माशाल्लाह। फर्दर अब हम लोग चलते हैं स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर का आपको टूर दे देते हैं। नाज़रीन स्टेयरकेस से बिल्कुल ऊपर आते साथ ही सबसे पहले तो हमारा ये आ जाएगा ओपन किचन, जो कि यहाँ पर डिज़ाइन किया गया माशाल्लाह। सिंक के साथ ही माशाल्लाह हमारा यहाँ पर टाइल वर्क देखने को मिलेगा, और इसके साथ वेंटिलेशन विंडो जो फ्रंट एलिवेशन में ओपन हो रही है। फर्दर अब हम लोग इसके माशाल्लाह सीलिंग को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। माशाल्लाह वेरी नाइस। नाज़रीन इसके साथ हमारी बैग पे माशाल्लाह निश डिज़ाइन की गई है, निश में माशाल्लाह खूबसूरत लैंप लगाया गया, जो कि वाकई खूबसूरत लुक दे रहा है। फर्दर नाज़रीन इसके साथ हमारी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, जिसको हम लॉबी एरिया कंसीडर कर सकते हैं। लॉबी एरिया के साथ ही हमारा बेडरूम नंबर 1 आ जाएगा, बेडरूम नंबर 2 प्लस ये हमारी रूफ पे हमारी स्टेयरकेस जा रही है। नाज़रीन बेडरूम नंबर 1 में हम लोग एंटर हो चुके हैं। बेडरूम नंबर 1 की आप जैसे कि जैसे कर सकते हैं हमारी मेन एंट्रेंस का डोर, एंट्रेंस के साथ ये हमारा माशाल्लाह मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, प्लस इसके साथ बैक वॉल डिज़ाइन की गई है, जो कि मैं आपको दूसरे एंगल से विजिट करवा देता हूँ। प्लस इसके साथ हमारी यहाँ कबर्ड्स के साथ हमारा अटैच वाशरूम, और ये माशाल्लाह हमारे खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। और तो हमारी माशाल्लाह साइड वॉल के साथ वेंटिलेशन विंडो है, विंडो में माशाल्लाह यूवी की शीट इस्तेमाल की गई है। इसके साथ हमारा ओपन टेरेस है, टेरेस के साथ माशाल्लाह ये हमारा फ्लोर प्लान के साथ ही हमारा खूबसूरत माशाल्लाह लैंप लगाए हुए हैं, जो कि रियली में नाइस लुक है। इसके साथ हमारे कबर्ड्स आ जाते हैं, कबर्ड्स के साथ हमारा अटैच वाशरूम, अटैच में मिरर के साथ हमारा बेसन यहाँ पे रहेगा, और इंग्लिश सीट इस्तेमाल की गई है, और माशाल्लाह वेरी नाइस ऊपर हमें वॉल में फॉल में माशाल्लाह खूबसूरत टोटली मैट का काम किया गया है। नाज़रीन माशाल्लाह ये हमारा ओपन टेरेस रहेगा, टेरेस का लुक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत तर्ज में यहाँ पे लैंप्स देखने को मिलेंगे, और इसके साथ ही माशाल्लाह ये हमारी लोकेशन रहेगी। सामने सारा हमारा कमर्शियल एरिया आ रहा है, कमर्शियल एरिया के साथ सिर्फ ये हमारा माशाल्लाह व्यू है खूबसूरत माशाल्लाह। ये माशाल्लाह अब हम लोग आ चुके हैं बेडरूम नंबर 2 की जानिब, जिसका माशाल्लाह बैक वॉल डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर वॉल पेपर डिज़ाइन किया गया खूबसूरत लुक में दे रहा है। ये हमारी बैक वॉल रहेगी, बैक वॉल के साथ माशाल्लाह फैन डिज़ाइन किया गया, और इसके बाद साइड वॉल में वेंटिलेशन विंडो है, जो कि बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक मैं समझता हूँ इसके साथ हमारे नीचे ओपन एरिया आ जाता है, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं। फर्दर ये हमारी बैग पे हमारा खूबसूरत रहेगा, इसका कबर्ड्स में माशाल्लाह वुडन टेक्सचर में कबर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं, मीडिया वॉल भी इसके साथ हमारी रहेगी, और माशाल्लाह सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है। फर्दर अब हम लोग चलते हैं अटैच वाशरूम की तरफ। ये मिरर आ गया, मिरर के साथ हमारा ये बेसिन, टोटली मैट का काम इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर मैट की टाइल इस्तेमाल की गई है, जो कि आई थिंक बहुत खूबसूरत लग रही है सिंपल सीलिंग डिज़ाइन के साथ। अब हम लोग चलते हैं रूफ़ की जानिब। रूफ पे नाज़रीन यहाँ पे हमें बम्टी देखने को मिलेगी छोटी सी, यहाँ पे जो डिज़ाइन की गई है रूफ, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही यूज साइज में हमारी रूफ रहेगी। फ्लोर में मार्बल का इस्तेमाल किया गया, सनी गेट इस्तेमाल किया गया। फर्दर इसके साथ ही हमारी बम्टी रहेगी। नाज़रीन इस घर की डिमांड की बात की जाए तो 1,25,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। फेस 2 में वेरिएबल है, कमर्शियल एरिया के बिल्कुल ही साथ इसकी एक्सेस है। फर्दर डिटेल्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर भी रब्ता कीजिए, रब्ता करने कॉल करने पर लाजमी तौर पर मैंशन कीजिएगा कि आपने कमर्शियल एरिया के साथ स्पेनिश हाउस का टूर दिया था, उसकी डिटेल्स दे दें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। इस तरह की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर भी रब्ता कीजिए, ओवर से कंस्ट्रक्शन आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी मुहैया कर रहा है। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, इस वक्त के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें।